हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं घर की चीजें लेने, ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए पिक एंड सेव स्टोर। चलिए वहाँ अंदर 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 चलेंगे। नहीं जाएगी, मायरा बता रही है कि कार्ट पे ले चलो, उसको कार्ट में बिठाया हूँ पहले। तो गाइस, मायरा जो है, मैं सोची थी वॉक करके इसको लेके जाऊंगी, ये पिक एंड सेव हम लोग आए थे सामान लेने, पर ये पहले एक बार मोज के साथ आई थी अकेले और ये कार्ट पे बैठी थी, तो ये डायरेक्ट कार्ट के स्टैंड पे चली गई और इसको था कि उस पे कार्ट पे बैठ के जाना है मुझे, तो बस। और हम लोग पहुंच गए हैं ये स्टोर, देखिए बहुत बड़ा स्टोर है ये। ऐसे बेटू, व्हाट डू यू वांट टू बाय? You want बनाना कह रही है हमारा, वो बनाना और संतरा को देख के, क्योंकि नाना खाते हैं हर रोज, देखिए बता रही है खाते हैं नाना। ये स्वीट हार्ट मम्मा चलाएगी। अच्छा, मम्मा चलाएगी, ठीक है। आप सब बहुत सारे लोग अमेरिका आना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही बड़ा कोर्स लॉन्च किया है और बहुत ही सस्ते दाम में अमेरिका आने के ए से लेके जेड तक के बहुत डिफरेंट टाइप के वीजाज हैं। तो चाहे आप पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, आप किस जॉब के लिए किस वीजा पे आ सकते हो, ये सारी डिटेल्स मैंने अपने कोर्स में दिया है। एक कोर्स है बेसिक, दूसरा है एडवांस। एडवांस कोर्स में सबसे अच्छी बात है कि आपको दो कॉल असिस्टेंट्स मिलने वाला है, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आपसे मैं दो कॉल पे बात करूंगी और उस क्वेश्चन को रिजॉल्व करूंगी, आंसर करूंगी। तो जाके ले ले वो कोर्स, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं तो। 70% का डिस्काउंट है इस वक्त और जल्द ही ये ऑफर चला जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। वैसे ये कोर्स मेरे वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है। कैसे चलेगा भाई, तुम्हें पता नहीं है? ए मम्मा को याद करती है। यस मम्मा इज राइट हियर, मम्मा इज राइट। यस मम्मा इज हियर बेटू। यस 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 यस। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अमेरिका में दूध कितने का मिलता है और अंडा कितने का मिलता है। यस मम्मा विल होल्ड इट। और चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अमेरिका में जो अंडा है और दूध का प्राइस कितना है। चलते हैं, यहाँ से दूध लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत वैरायटी का दूध होता है। होल मिल्क होता है, जैसे जो हम इंडिया में यूज करते हैं घी निकालने के लिए, मलाई निकालने के लिए, पूरे गाढ़ा दूध, होल मिल्क, स्किम्ड मिल्क भी होता है, बट प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ये सारे मिल्क का। तो मैं बहुत ही जो एवरेज प्राइस है वो आप लोगों को बताऊंगी, ना बहुत हाई ब्रांड पे जाऊंगी ना बहुत लो ब्रांड पे जाऊंगी, तो ऑन एन एवरेज जो लोग कितना यूज़ करते हैं वो बताती हूँ। तो अगर मैं प्राइस, आप देख सकते हो मेरे पीछे $2.79 एक गैलन का प्राइस है, तो अगर मैं INR में बताऊं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65 रुपीज़ एक लीटर का दूध अमेरिका में मिलता है। इंडिया में अभी दूध की क्या कीमत है नीचे कमेंट ज़रूर करके बताना। और अंडा आप लोगों को मैं दिखा दूं, यहाँ पे मिल रहे हैं काफ़ी सारे एग्स हैं, आप देख लो, ये फ्रिज है इसके अंदर एग्स हैं, तो इसका मैं आप लोगों को प्राइस बता देती हूँ। तो आप देख सकते हो वहाँ पर लिखा हुआ है $1.69 वन डजन, 12 अंडे हैं, 12 अंडे हैं इस बॉक्स में और इसका है $1.69। तो अगर मैं INR में बताऊं तो एक अंडे की कीमत अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 रुपीस INR में पड़ जाएगा। इंडिया में एक अंडा कितने का मिलता है नीचे कमेंट करके बताना। और गाइस, यहाँ पे बिलिंग में हर एक स्टोर में आपको सेल्फ चेकआउट काउंटर्स दिखते हैं अमेरिका में, तो आप देख सकते हो वहाँ पे अमोद पीछे चेकआउट कर रहा है, यानी कि आपको किसी स्टोर के बंदे की जरूरत नहीं होती, आप खुद से स्कैन कर करके बिल पे कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा लगता है, आपको लाइन वाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे जिनको नहीं आता सेल्फ चेकआउट, उसके लिए लोग भी होते हैं, आप उनके थ्रू चेकआउट करवा सकते हो। जैसे इंडिया में हम लोग पे करते हैं तो किसी सामने कोई बंदा होता है वहाँ पे, आप कार्ड स्वाइप करते हो, तो वो भी कर सकते हो। तो जैसे देखिए अमोद यहाँ सेल्फ चेकआउट कर रहा है, स्कैन कर लिया, अमायरा यहाँ बैठ के बदमाशी कर रही है ना, आप कर रहे हो ना बदमाशी? यस, हमने बहुत सारा मिल्क लिया है क्योंकि हम पनीर बनाने वाले हैं कल। We are going home, बेटा। देखिए मायरा को मिल्क का डब्बा लेने के लिए रो रही थी। तो हो गई हमारी शॉपिंग गाइस और हम लोग जा रहे हैं बाहर अब पार्किंग में। पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क की है उधर कहीं, तो चलते हैं। इट्स टू हैवी फॉर यू स्वीटहार्ट। एक और बात आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारा देखिए दूध का पूरा बड़ा सा डब्बा उठा के बैठी हुई है। और एक बात बता दूं कि वो जो आप शेड देख रहे हो ये कार्ट रखने का यहाँ पे होता है, तो सब लोग
जो भी कार्ट यूज करते हैं बकायदा सब लोग वहाँ अंदर रख देते हैं, कोई ऐसे नहीं कि रास्ते में कहीं पे भी छोड़ आए। तो एक यहाँ पे बना हुआ है जैसे, दूसरा एक यहाँ पे बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और लोग भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जैसे मैं अभी कार्ट को रख देती हूँ यहाँ पे, और ऐसे देखिए बहुत सारे कार्ट यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ से आके कार्ट उठाओ रख दो। बोल रहा था कि आरु तुम्हारे साथ ही खाली इतना बदमाशी करती है, हर चिल्लम चिल्ली हल्ला गुल्ला मेरे साथ तो अकेले एकदम मस्त रहती है, तो शूज भी नहीं निकालती है, शूज भी नहीं निकालती, एकदम सीधा बच्चा से बैठेगी, बीच बीच में बात करेगी, बोलेगी हाई फाई, बोलेंगे तो ऐसे करके बेटो हाई फाई बेटो, यस मम्मा से करेगी हाई फाई। देखो हाँ, तुम तो डैडा से नहीं, कि डैडा गुस्सा है ना बेटा। और उसके बाद जो है हाँ, स्टोर में तो और मस्त रहेगी, एकदम घूमेगी इधर उधर देखेगी हाँ, बात करेगी, लेकिन नहीं ऐसे हल्ला काहे कोई नहीं करेगी। नहीं तो वो अभी मेरे लिए कर रही है कि मम्मा करेगी सब कुछ। बेटा आप मेरे दुलार में बदमाश बन रहे हो क्या? हाँ डैडा के साथ आप सीधा बच्चा बन के रहते हो। वेयर आर वी गोइंग? बाहर तो हम लोग हैं। आई नो, नाउ वी आर गोइंग होम, वी आर गोइंग होम, लेट्स वॉश योर हैंड। देखिए मायरा को पता है कि वॉश करते टाइम तो फ्रीज सब करते हैं, तो बता देती कर देती है। ओके सामान लेके आएगी, जो भी सामान लाइए देखिए। ओ माई गॉश इट्स टू हैवी स्वीट हार्ट, इट्स टू हैवी फॉर यू, पुल योर स्लीव्स अप। सो गाइज हर रोज डिनर करा के मायरा को, और इसमें कई सारी चीजें मायरा को ऑलरेडी पता है, ये सारी चीजें बता देती है। बेटा मम्मा का बाइक कहाँ है, किस में है? देखिए बाइक के लिए बुक इसने निकाल लिया, ये रहा बाइक। और हाँ वेयर इज मम्माज हैट, देखिए निकाल के रख देगी, निकालेगी हाँ, इस बुक में है मम्मा का हैट, शी नोज। अमायरा को पता है किस बुक में है, व्हाट इज दिस, तो ये हैट निकाल दिया। तो रीडिंग करना अमायरा को बहुत पसंद है। बाबा रोज नाना को बाइक करके निकलती है सोने के लिए रात को, है ना बेटा? बाय 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 क्या बाय बाय दादा, लेट्स गो टू बेड देन, लेट्स गो टू बेड, इट्स 9 PM या लेट्स गो टू बेड, कम ऑन मम्मा, मम्मा इज कमिंग विथ यू, दादा दादा विल कम लेटर, लेट्स गो। तो अभी मायरा को सुलाने के लिए लेके जा रही हूँ। याद है सीढ़ी पे आके मायरा बाय बाय कर रही है नाना को, बाय बाय मम्मा, लेट्स गो टू बेड, बाय, यस चलो लेट्स गो एंड लाई डाउन, कम ऑन दादा। बेटू कैट कैसे बोलता है? टाइगर कैसे करता है? और डॉगी कैसे भौंकता है? कैट कैसे करता है? अमेरिका की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट, बाय बाय बाय।